नमस्कार दोस्तों, ऑडियो टाइम विद बीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने JBL ION 1 और ION 1 Pro इन दो मॉडल्स के बारे में काफ़ी सुना होगा। कई लोगों ने इनका यूज़ भी किया है और काफ़ी लोग इनका यूज़ कर भी रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल थे ये दोनों, लेकिन कंपनी ने इनको एक साल पहले ही डिसकंटिन्यूट कर दिया है। और दोनों मॉडल को डिसकंटिन्यूट करने के बाद एक कम्बाइंड मॉडल निकाला है, जिसमें आपको बहुत से डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स दिए गए हैं। काफ़ी एडवांस सिस्टम उसमें दिया गया है, और वो सिस्टम है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बॉक्स है JBL ION Mark II का। ये एक ऑल इन वन पावर्ड PA सिस्टम है, जिसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी भी आती है। साथ में इसमें आपको साउंड क्राफ्ट का डकिंग फीचर्स भी मिलता है। उसके साथ आपको इसमें एक LCD बैक साइड में दी गई है, जिसमें आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, लाइक DBX के इक्वलाइजेशन, AFS और प्रीसेट्स भी दिए गए हैं, लेक्सिकॉन के रिवर्ब, डिले और कोरस के भी इफेक्ट्स आपको इसमें दिए गए हैं। साथ में इसमें आपको एक ऑनबोर्ड 3-band इक्वलाइजेशन भी दिया गया है। उसके साथ इसमें आपको 5-channel का डिजिटल मिक्सर भी प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ JBL ने इसमें आपको ब्लूटूथ का फीचर और USB का फीचर भी दिया है, जिससे आप आसानी से वायरलेसली कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी सिस्टम के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको हिंदी में इसके सारे फीचर्स बताऊंगा, इनके डिटेल्स भी बताऊंगा, साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा कौन सा फीचर्स कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखिए, आपको आज इस स्पीकर के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी, कैसे इनको ऑपरेट किया जाता है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इसका एक लुक दिखा दूं, उसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, इनको फीचर्स को कैसे यूज़ किया जाता है उसकी बात करेंगे। ये मॉडल है, आप इसका लुक फ्रंट का देख रहे हैं, मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ इसका। बहुत ही स्लिम है स्पीकर ये, एक बार इसका क्लोज लुक देखिए आप, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ आप देखेंगे फ्रंट में स्टील ग्रिल है, उसके पीछे फॉर्म है। ये आप बॉटम का लुक देखिए, यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग की गई है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक LED दिया गया है पावर का पता करने के लिए। आप इसका साइड से लुक देखिए, साइड से भी काफ़ी स्लिम है और काफ़ी अच्छा है, यहाँ JBL भी लिखा गया है। बहुत ही स्लिम स्पीकर है दोस्तों, ये मात्र 19 किलो का सिस्टम है, 100 आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसका आप टॉप का व्यू देखिए, यहाँ पे आपके सारे कॉलम कनेक्ट होते हैं। इधर आपको एक हैंडल दिया गया है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये 3 कॉलम दिए गए हैं, 3 में से एक में बैटरी होती है, एक आपका ब्लैंक होता है हाइट को एडजस्ट करने के लिए, और एक में आपके 2-2 इंच के 8 ट्विटर होते हैं। ये पीछे ऐसे आसानी से लॉक हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका बैक साइड, ये पीछे इसके तीनों कॉलम आसानी से फिक्स हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, कोई इसके लिए एक्सटर्नल आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, और ये लॉक भी हो जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं लॉक का साइन भी बना है। ये लॉक करने के लिए जब आप इसको इसमें फिक्स करते हैं, इन तीनों कॉलम को इस जगह पे, तब आप इसको प्रेस करके इसको लॉक करते हैं। और अगर आपको इसको ओपन करना है तो यहाँ देखेंगे आप अनलॉक का साइन बना हुआ है, इसको जस्ट आपको ऐसे प्रेस करना है। एक आवाज़ सी आई, अब देखेंगे आप हमारे सारे सिस्टम, हमारे सारा कॉलम अनलॉक हो गया। हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे ये हमारा कॉलम है, ये हमारा ब्लैंक कॉलम है। बैक साइड में आप इसके देखेंगे, यहाँ आपको एक डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आप सारे फंक्शन देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे आपको सारे इनपुट और आउटपुट के ऑप्शन दिए गए हैं, नॉब्स दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के। ये इसका बैक साइड है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया गया है, इधर JBL की ब्रांडिंग है, इधर मॉडल नंबर है, यहाँ आपको पावर का सॉकेट दिया गया है। इस तरीके से आपको इसका बैक साइड दिखता है, ये
कॉलम रखने की जगह है, यहाँ देखिए आप। दोस्तों ये है हमारा कॉलम और ऐसे आपको तीन कॉलम इसमें मिलते हैं, एक दो और ये तीन, जिसमें से एक आपका ये वाला एक कॉलम में आपकी बैटरी इनबिल्ट होती है, इसमें बैटरी लगी होती है। दूसरा एक कॉलम आपका फ्री होता है जो आपको हाइट अपनी इंक्रीज करनी है, एडजस्ट करनी है उसके लिए। उसके साथ आपको तीसरा कॉलम है हमारा ये, इसमें हमारे सारे ट्विटर होते हैं, आप भी देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक ला के दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे 8 2-2 इंच के ट्विटर आपको इसमें मिलेंगे और नीचे आपको 10 इंच का लोकस ड्राइवर मिलेगा। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और ज़बरदस्त क्वालिटी का सिस्टम है ये। अब मैं आपको इस पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। ये हमारी बैटरी है, बैटरी हम यहाँ इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद हम हाइट बढ़ाने के लिए इस वाले कॉलम को भी यहाँ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। उसके ऊपर हम चाहें तो हमारा ये मेन सिस्टम जो है उसको हम यहाँ पे टॉप पे इस तरीके से लगा सकते हैं। आप देखिए आराम से ये 7 फुट के करीब की हाइट हो गई है इस कॉलम सिस्टम की। हम चाहें तो इसको हाइट इसकी हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो ये ब्लैंक वाला कॉलम साइड कर सकते हैं और इसके ऊपर हम अपना मेन कॉलम सिस्टम लगा सकते हैं। नीचे बैटरी वाला कॉलम और ऊपर आपका ट्विटर का कॉलम, इस तरीके से भी हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और क्लोज लुक पास से दिखा देता हूं, इसके ट्विटर का और इसके बेस का। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका आखिरी 8 आपको ट्विटर मिलते हैं 2-2 इंच के, तो आप खुद ही समझ जाइए कितना पावरफुल होगा ये। साथ में आपको इस सिस्टम में 1500 वाट की एम्पलीफायर सेटिंग मिलती है, जिसमें आपको ये 400 वाट कंटिन्यू पावर देता है और 1500 वाट पीक देता है। उसके साथ अब हम चलते हैं इसके बैक साइड में और इसके फीचर्स को देखते हैं, उन फीचर्स को कैसे यूज़ किया जाता है उसको देखते हैं और उनको चलाकर भी देखते हैं। दोस्तों ये है हमारा पीछे का पूरा पैनल जिसके थ्रू आपका ये सिस्टम ऑपरेट होता है, कंट्रोल होता है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 चैनल मिलते हैं, 1 2 3 4 5 इंडिपेंडेंट गेन लेवल भी मिलते हैं। साथ में आप यहाँ देखेंगे आपको बेस, मिड और ट्रेबल 3 बैंड का ऑनबोर्ड फिक्स इक्वलाइजेशन भी मिलता है। उसके साथ यहाँ आप देखेंगे रिवर्ब भी आपको मिलता है। इधर आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे पास थ्रू में लाइन लेवल दिया गया है। उसके साथ आपको 3 माइक लाइन इनपुट्स दिए गए हैं, जिसमें आपको कॉम्बी न्यूट्रिक जैक दिए गए हैं कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ आपको यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए, गिटार वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे लाइन इनपुट दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पर ऑक्स लगाने के लिए 5वां चैनल दिया गया है। इधर आप इस चैनल को 5वें को ऑक्स लगाकर यूज़ कर सकते हैं और ब्लूटूथ भी इसका कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपको मेन और मेन्यू दोनों का यहाँ पे नॉब दिया गया है, ये आपका मेन में और मेन्यू दोनों के लिए काम आता है और साथ में आपका मास्टर वॉल्यूम के लिए भी यही काम आता है। उसके साथ यहाँ बैक का ऑप्शन भी दिया गया है, बैक भी कर सकते हैं। बगल में आप देखेंगे लिमिट की LED दी गई है। उसके साथ आपको हर चैनल पे, आपको 5वें चैनल पे सेपरेट LED दी गई है, जिससे आप इसके सिग्नल का पता कर सकें, इसके पीक का पता कर सकें। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे आपको 2 USB भी दिए गए हैं, जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम को इसमें लगाकर चार्ज कर सकते हैं उसके लिए। साथ में आप बगल देखेंगे आपको पावर का बटन दिया है, पावर का बटन सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑन होता है। सिंपल आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रेस करके रखना है, आपका देखिए डिस्प्ले ऑन हो गया। अब मैं आपको इनके सारे फीचर्स और इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं वो सारे बताते हुए चलता हूँ। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप
JBL Eon 1 MK2 ये यहाँ पे मॉडल नंबर शो हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये आपका वॉल्यूम का साइन शो हो रहा है। इसके थ्रू देखिए आप यहाँ मास्टर वॉल्यूम आ गया। हम सिंपल इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, 0 dB तक जाता है ये घटाना हो वॉल्यूम तो इस तरीके से घटा सकते हैं आप। साथ में मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। इसको जब मैं प्रेस करता हूँ इसके मेन्यू के नॉब को, तो यहाँ देखेंगे आप, आपको डकिंग बाई साउंड क्राफ्ट, एफएक्स प्रोसेसिंग, DBX ड्राइवर एक आउटपुट, पास थ्रू एंड टाइम अलाइन सेटिंग, इस तरीके से नॉब को हम मूव कराते हैं घुमाकर जिस पे भी आपको लेके जाना है। अब हम एक एक करके इनके सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इनको कैसे सेट करना है वो भी सेट करते हैं। मैं एक माइक लगा लेता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए, जिससे आपको पता लगे ये सेट हो रहा है या चल रहा है उसके लिए। दोस्तों यहाँ मैं चैनल 1 पे एक वाइड माइक लगा रहा हूँ और साथ में अपने फ़ोन को इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर रहा हूँ, जिससे आपका ये डकिंग फीचर आपको मैं दिखाऊं कैसे यूज़ होता है और क्या क्वालिटी है इसकी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसमें ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं सेटिंग है, यहां पे सेटिंग में आपको जाना है इसको मूव करा के। उसके बाद आपको ये नॉब को इस तरीके से प्रेस करना है। यहां आप देखेंगे ब्लूटूथ ऑडियो पेयरिंग गो, ब्लूटूथ कंट्रोल पेयरिंग गो, यहाँ आपका LCD का कंट्रास्ट कैसा चाहिए इसका, यहाँ आपका फर्मवेयर वर्जन दिखा रहा है और आपको ये पूरा फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप इसको भी रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हमें करना क्या है। हमें सिंपल अपने फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, उसके बाद इसको हमें जस्ट ऐसे प्रेस करना है। यहाँ देखेंगे पेयरिंग विद BT डिवाइस, अपने फ़ोन में आप जाएंगे BT के ऑप्शन में, वहाँ जाके आप देखेंगे इस तरीके से आपको उसमें शो करेगा Eon 1 MK2। इसको आप प्रेस करेंगे पेयरिंग आएगा, यहाँ भी आप देखेंगे पेयरिंग शो कर रहा है। अब इधर आप देखिए यहाँ पे आपको इसको पेयर करना है, ये आपका कनेक्टेड हो गया, एक्टिव में दिखा रहा है। आप देखिए अब ये मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ के थ्रू इसके। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं कंट्रोल पेयरिंग, इसको जब आप गो करेंगे तो Eon 1 MK2 के ब्लूटूथ के थ्रू और इसके ऐप के थ्रू आप 10-10 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, हम बैक जाते हैं यहाँ से। उसके बाद मैं एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ, साथ में फिर आपको इसका डकिंग फीचर्स यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे म्यूज़िक चला दिया है, मैं इसका मास्टर वॉल्यूम बढ़ाता हूँ यहाँ से। आप चाहें तो यहाँ से भी, ये आपके ब्लूटूथ और ऑक्स का मास्टर है, आप इससे के थ्रू भी वॉल्यूम इसका बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और ये मास्टर से फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपका म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेन्यू में गया मैं, इसके डकिंग वाइज साउंड क्राफ्ट के फीचर में गया, इसको मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पे डकिंग वाइज साउंड क्राफ्ट, आपको अपने इस सिस्टम में इस फीचर को ऑन रखना है हमेशा के लिए, तो आप इसको सिंपल ऑन कर सकते हैं। ऑन कैसे होगा, ऑफ कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अभी आप देख रहे हैं ऑन है, बटन प्रेस किया, यहाँ देखिए ग्रीन कलर का हो गया ये। अब मैं इसको सिंपल यहाँ से नॉब को इधर गया, अब यहाँ मुझे ऑफ करना है सिस्टम, मुझे डकिंग सिस्टम नहीं रखना है। ऑफ कर दिया, देखिए आपका ऑफ हो गया सेम एज इट इज़। इसी तरीके से प्रेस किया, ऑन किया मूव करके, प्रेस कर दिया। अब हमारे इस Eon 1 MK2 में डकिंग फीचर चल गया है, आप देखिए डकिंग फीचर आपका ऑन है। उसके बाद मैंने नीचे नॉब को मूव किया, यहाँ देखिए आप चैनल सेंसर्स ऑन या ऑफ, अब इसमें आपको प्रेस करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे आपको सिर्फ जो ये डकिंग का फीचर्स है वो 3 चैनल पे मिलेगा, 1, 2 और 3 पे, 4, 5 पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आपको कौन से चैनल का सेंसर ऑन करना है डकिंग फीचर को यूज़ करने के लिए, किस चैनल पे आपको डकिंग फीचर चाहिए, वो आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखेगा। जैसे मैंने रोटरी नॉब को नीचे मूव किया, यहाँ देखिए ये ऑफ है, मैंने जस्ट इसको प्रेस किया, यहाँ देखिए ये इस तरीके से आ गया, अब हाईलाइट हो गया है। अब मैं इसको मूव करूँगा, मूव करने के बाद ऑन आया, ऑन कर दिया, मेरे चैनल 1 और चैनल 2 दोनों पे मेरे डकिंग फीचर्स
अवेलेबल हैं, ऑन हैं। जैसे ही मैं यूज़ करूँगा मेरा डकिंग चालू हो जाएगा, जैसे ही मैं वोकल कोई बोलूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। बैक जाने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नीचे गए हम चैनल सेंसिटिविटी, इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ अपने चैनल की सेंसिटिविटी सेट करेंगे। कितने डीबी पे हमें सेंसिटिविटी चाहिए, मतलब हमें किस लेवल से हमारा डकिंग फीचर्स स्टार्ट हो और कितना हमारा जो म्यूज़िक जो भी चल रहा है वोकल चलने के बाद वो किस लेवल तक उसका वॉल्यूम डाउन रहे। जैसे यहाँ देखेंगे चैनल वन पे 8 dB है, आप इसको जस्ट ऐसे प्रेस करके 0 dB तक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ऊपर 100 dB तक ले जा सकते हैं इस तरीके से। तो जैसा आप सेट करेंगे उसी लेवल का आपका डकिंग काम करेगा। मैं इसको जैसे यहाँ पे -8 पे ही सेट कर देता हूँ। दोस्तों अब इसके नीचे आप जाएंगे सेंसर्स के नीचे, सेंसिटिविटी हमने बता दिया था, सेंसिटिविटी के नीचे जाएंगे थ्रेशोल्ड आता है, आपको ये थ्रेशोल्ड लेवल भी सेट करना पड़ेगा जिसके पार जाते ही सिग्नल आपका डकिंग काम करने लग जाए। जैसे मैंने यहाँ 16 dB पे किया, मैं इसको मानिए थ्रेशोल्ड को आप देखिए 10 dB पे सेट किया हुआ है। अब मैं इसको नीचे जाता हूँ, यहाँ हम करेंगे इसकी रेंज को सेट। आप देखिए यहाँ 17 -17 dB है, आप इसकी रेंज सेट करेंगे किस रेंज पे जाके आपका डकिंग काम करे, कितने डीबी पे आप चाहते हैं। जैसे मानिए मैंने इसको -10 dB पे किया, अब देखिए हेलो चेक, आप देखिए मेरा डकिंग, अब मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा। हेलो 1 2 3 चेक, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो चेक। अब देखिए अभी थोड़ी देर में लाउड हो जाएगा, ये देखिए हेलो 1 2 3 चेक, हेलो बोल बाके बिहारी लाल की जय। आप देखिए म्यूजिक थोड़ा डाउन हुआ। तो जैसा आप सेटिंग करेंगे इसमें थ्रेशोल्ड लेवल, इसका रेंज, आप जिस तरीके से सेट करेंगे सेंसर्स उस तरीके से आपका डकिंग फीचर्स काम करेगा इन तीनों चैनलों में। अब देखिए जैसे ही मैं हटाता हूँ वोकल, वैसी जो है वॉल्यूम लाउड हो जाता है। इस तरीके से लाउड हो जाता है। सेम आपको ईओन 700 सीरीज़ में जैसे सेंसिटिविटी का फीचर्स दिया गया है डकिंग के लिए, वैसे ही फीचर आपको मार्क 2 में भी दिया गया है। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ देखेंगे आपको रिलीज टाइम है, मतलब जब आपने डकिंग फीचर्स आपका जैसे ही वोकल हटता है तो आपके बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक या जो भी चल रहा है वो कितनी जल्दी जो है फ्रंट पे आना चाहिए उसके लिए है। जैसे यहाँ आप देखिए 200 मिलीसेकंड पे, मैं इसको प्रेस करके मानिए मैं इसको 30 मिलीसेकंड पे करता हूँ और देखिए म्यूजिक प्ले करता हूँ। हेलो चेक 1 2 3 चेक, हेलो चेक, देखिए डाउन हो गया है। अब देखिए जैसे ही मैं हटूंगा 30 मिलीसेकंड के अंदर में ये बैकग्राउंड आपका फ्रंट पे आ जाएगा वोकल हटते ही। देखा आपने, अब देखिए जैसे ही मैं बोलने जाऊंगा हेलो 1 2 3 चेक, हेलो बहनों भाइयों कैसे हैं आप लोग, आप देख रहे हैं ईओन 1 Mark II का साउंड क्राफ्ट डकिंग का फीचर्स कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ही हटाऊंगा देखिए मेरा यहाँ पे वॉइस हटता ही नहीं है, इतने में जो है आपका फ्रंट पे आ जाता है बैकग्राउंड में जो भी जाता है डकिंग में। देखिए आप हेलो चेक, इस तरीके से आप यहाँ से दोस्तों इसका मिली सेकेंड आपका टाइम बढ़ा सकते हैं, कितनी देर में आप अपने बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है आपका प्रोग्राम वो वोकल हटते ही कितनी जल्दी आए। ये फीचर आपका दोस्तों काम आता है जैसे ट्रेनिंग आप कहीं दे रहे हैं, आप कोई म्यूजिक क्लास चला रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पे आपको ये डकिंग का फीचर्स बहुत काम आता है। और जब ऐसे सिस्टम में आपको ये इनबिल्ट आता है तो आपके लिए और आसान हो जाता है इस सिस्टम को यूज़ करना। अब हम चलते हैं इसके बैक में जाते हैं, बैक में जाने के बाद हम इसका डकिंग फीचर ऑफ कर देते हैं। यहाँ आप नीचे देखेंगे FX प्रोसेसिंग, इस सिस्टम में आपको लेक्सिकॉन के रिवर्ब, डिले और कोरस, ये तीन तरीके के इफेक्ट मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे मास्टर इफेक्ट्स, मतलब आपको मास्टर में इस सिस्टम में जो भी इफेक्ट है जो भी आपने सेट किया है वो मास्टर में चाहिए, उसके लिए आपको ये ऑन करना होता है। सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे, ये भी ऑन है, जैसे मैंने इसको प्रेस किया ये ऑफ हो गया। जैसे ही मैं इसको प्रेस करके मूव करूँगा इस तरीके से, यहाँ देखिए ऑन है, फिर इसको मैं प्रेस कर दूँगा ये ऑन हो गया। अब ये हमारे मास्टर में पूरे सिस्टम के
एफएक्स हमारा ऑन है, जैसे हम कोई भी सेट करेंगे वो एफएक्स चलेगा। इधर आप नीचे जाएंगे मूव करके, यहाँ देखिए रिवर्ब बाय लेक्सिकन, लेक्सिकन का रिवर्ब है इसमें, तो आप खुद ही समझिए कितनी अच्छी क्वालिटी होगी इसके रिवर्ब की। जस्ट इसको मैं प्रेस करूँगा, यहाँ आप देखेंगे रिवर्ब बाय लेक्सिकन ऑफ है यहाँ पे। अब आपको इसको ऑन करना है, सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे, मूव करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन हो गया। उसके साथ आप चाहे तो जो भी आपने सेटिंग की है, किसी ने छेड़ दिया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप इसको प्रेस करके सिंपल इसको रीसेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ नीचे जाएंगे, मूव करेंगे इसको, तो यहाँ देखेंगे आपको रीलोडेड प्रीसेट्स मिलते हैं। मैं इसको सिंपल ऐसे प्रेस करूँगा, तो यहाँ देखिए आप कस्टम, रूम स्मॉल, रूम मीडियम ब्राइट, रूम लार्ज, हॉल मीडियम ब्राइट, हॉल लार्ज। तो इस तरीके से आपको रिवर्ब के सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे एक आपको लाइव मिक्सर में मिलते हैं। यहाँ मैं इसको कस्टम पे ही करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ देखेंगे, नीचे मूव करेंगे तो यहाँ साइज आएगा, इसको प्रेस करेंगे, लॉन्गर, मीडियम, शॉर्ट, लॉन्ग। इस तरीके से आपको चार आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलती हैं, आपको किस हिसाब से अपना रिवर्ब सेट करना है, क्या साइज है आपके एरिए का, उसके अकॉर्डिंग कैसा सेट करना है, ये आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे, यहाँ देखेंगे प्री डिले। आपको प्री डिले कितने मिली सेकेंड में चाहिए सिस्टम में अपने, वो यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं इसकी, सिंपल प्रेस करके 10 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड तक कर सकते हैं आप। मैं इसको 10 पे करता हूँ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ देखेंगे आपको लो फ्रिक्वेंसी, मतलब आपके रिवर्ब में किस टाइप का लो फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए, मीडियम, हाई, लो, तो किस क्वालिटी का आपको लो फ्रिक्वेंसी चाहिए इसमें, वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम पे रखता हूँ जैसे। उसके साथ आप नीचे मूव करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको हाई फ्रिक्वेंसी का भी ऑप्शन मिलेगा, आप इसको भी प्रेस करके डिम, न्यूट्रल, ब्राइट, ये तीन आपको सेटिंग मिलती हैं। मैं इसको न्यूट्रल पे करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लो, हाई, मीडियम जैसा भी करना चाहते हैं उस तरीके से इसकी हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी रिवर्ब में सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पे लेवल टू मिक्स, मतलब आपको किस लेवल का रिवर्ब चाहिए अपने पूरे मिक्स में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंपल आपको ये प्रेस करना है, उसका इस तरीके से आपको मूव करना है। -100 dB से 0 dB तक आता है, इसको आप 0 पे ही रहने दीजिए, प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, आपका 0 पे हो गया। अब ये आपका रिवर्ब देखेंगे आप, इस पे सेट हो गया है। हेलो चेक। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, बैक गया मैं, यहाँ पे बैक में देखिए आप नीचे, उसके बाद आता है हमारा डिले। डिले हमें किस लेवल पे सेट करना है, कैसा बनाना है अपना डिले, वो सारा आपको ये प्रेस करने के बाद, यहाँ देखिए पहले आपको डिले को ऑन करना पड़ेगा, सिंपल इस तरीके से मूव करके। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ रीसेट का भी आपको ऑप्शन मिलता है सेम रिवर्ब की तरह। उसके बाद नीचे आपको प्रीलोडेड प्रीसेट्स मिलते हैं, जिसमें कस्टम, सिंपल क्वार्टर्स, सिंपल ट्रिपल्स, सिंपल 1:1, स्टैगर्ड इको, बाउंस वॉल, फास्ट स्प्रिंग, तो इस तरीके के आपको इसमें मिलते हैं फीचर्स। जैसे इसको मैं कस्टम पे रखता हूँ, उसके बाद नीचे जाएंगे तो कितने बीट पर मिनट आपको चाहिए वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं डिले में। जैसे मेरे को 120 बीट पर मिनट मैंने सेट किया है, वैसे आप भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे मिक्सर में करते हैं वैसे ही आपको इसमें करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे आप, सब डिवीज़न आपको कितना रेशो रखना है इसके सब डिवीज़न का, प्रेस करेंगे 1:2, 1:3, 4, 1:5, 1:1 से लेके 1:5 तक मिलता है। और साथ में जब आप इसका रेशो सेट करते हैं तो नीचे आपको डिले की लेंथ भी आप देखिए साथ के साथ मूव हो रही है, उस हिसाब से सेट होती है। जैसे 1:1 करेंगे तो आपका जो डिले का लेंथ है वो काफ़ी लंबा खींचेगा, और हम इसको 1:5 करेंगे तो डिले का लेंथ काफ़ी आपका फास्ट रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस पर सिलेक्ट करके, हेलो चेक। अब मैं इसका देखिए नीचे गया, हेलो चेक
चेक, हेलो चेक, माइक टेस्टिंग, बालाजी महाराज की जय। तो आपने देखा कितना इसका डिले का लेंथ है, कितना डिले खींचा है, और जितना हम आगे इसको सेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा डिले फास्ट होता जाएगा उस हिसाब से। तो ये हमारी डिले की सेटिंग इस तरीके से हम इस सिस्टम में कर सकते हैं। ये भी आपकी सिर्फ इन तीन चैनल पे ही सेट होगी, 102 और 3 पे, इसके अलावा और किसी पे आपका सेट नहीं होगा ये। इसके बाद हम बैक जाते हैं, नीचे आप देखेंगे आपको कोरस की सेटिंग मिलती है सेम एज इट इज़। आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ जाएंगे, कोरस ऑन करेंगे, रीसेट, आपको यहाँ पे प्रीसेट्स मिलते हैं, आपको कौन सा चाहिए, स्लो डीप, फास्ट लाइट, स्लो लाइट, कस्टम, आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ उसका रेट सेट कर सकते हैं, कितने हर्ट से आपको शुरू करना है, उसके साथ डेफ का आप सेट कर सकते हैं, 20%, 40%, 60%, 100% सारी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, आपको विड्थ भी आप इसकी सेट कर सकते हैं, लेवल टू मिक्स भी आप इसका सेट कर सकते हैं। तो कोरस भी आप अपने सिंगिंग वगैरह करते हैं, आप लाइव बैंड चलाते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग्स काम आती हैं। और जब आपको ये फीचर्स एक कॉम्पैक्ट सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट मिल जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे इक्विपमेंट की कॉस्टिंग भी बचती है, साथ में आपका टाइम भी बचता है। इजी टू यूज सिस्टम है ये, क्योंकि उसके बाद हम बैक जाते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे एफएक्स का रिटर्न लेवल, मतलब एफएक्स का जो रिटर्न लेवल है वो कितने डीबी पे आपको सेट करना है, कितने डीबी पे चाहिए। सिंपल आपको प्रेस करके 0 डीबी से लेके आपको ये -100 डीबी तक का दिखाता है। मैं इसको 0 डीबी पे अभी सेट कर देता हूँ। तो ये हमारी सारी की सारी एफएक्स की सेटिंग्स थी लेक्सिकन के, कैसे सेट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में थी। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ देखेंगे हमें DBX ड्राइव रैक आउटपुट, DBX ड्राइव रैक आउटपुट में क्या क्या है आपको मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको एडवांस फीडबैक सप्रेशन भी मिलता है, साथ में आप देखेंगे मास्टर EQ में भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, उसके साथ आपको इसमें लिमिटर भी मिलता है। तो आपको इसमें लगभग एक अच्छे खासे लाइव मिक्सर के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे मैं AFS पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे AFS by DBX। सबसे पहले आपको इस सिस्टम में AFS यूज़ करने के लिए यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, प्रेस करेंगे, मूव करेंगे, ऑन हो गया। उसके बाद आप अगर लाइव में AFS यूज़ करना चाहते हैं, लाइव सिस्टम चला रहे हैं, आपका कोई लाइव प्रोग्राम है उसके लिए चाहते हैं, तो इसको सिंपल आप प्रेस करेंगे, मूव करेंगे, ऑन हो जाएगा। अभी हम लाइव में नहीं चला रहे हैं तो हम इसको ऑफ रहने देंगे। साथ में नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको रीसेट लाइव फिल्टर्स, मतलब आपने जो भी लाइव फिल्टर्स आपने बनाए हैं उसको रीसेट करना है, उसके लिए आप सिंपल यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके साथ आप नीचे देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड AFS, मतलब आपको AFS अपना फिक्स्ड रखना है इस सिस्टम में, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसको मूव प्रेस करना है, मूव करना है, ऑन हो गया। उसके बाद नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे लर्न फिक्स्ड आता है, रीसेट फिक्स्ड आता है, तो आप ये सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको बैक करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ मास्टर EQ में, प्रेस किया, यहाँ देखिए मास्टर EQ भी आपको ऑन करना पड़ता है सेम इसी तरीके से मूव करके। उसके साथ नीचे आप जाएंगे तो रीसेट आपको मिलता है, आपको रीसेट करना है फिर से, वो रीसेट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद नीचे मूव कराएंगे, यहाँ देखेंगे आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, 8 प्रीसेट्स आपको मिलते हैं। देखिए आप DJ, कैफे, ब्राइटर, डार्कर, इस तरीके से आप देखिए KTV, स्पीच, फ्लैट, कस्टम, तो इस तरीके से आपको इसमें मास्टर EQ में प्रीसेट्स मिलते हैं। आप कोई भी प्रीसेट्स अपने प्रोग्राम, अपने इवेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप इसको यूँ प्रेस करके, यहाँ मैंने कस्टम किया, क्लिक आ गया, कस्टम पे मैंने सेट कर दिया। आप यही सारे फीचर्स, फिल्टर और फ्रिक्वेंसी आप ऐप में जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। नीचे आप जाएंगे, इसका लिमिटर है, लिमिटर को आप कैसे सेट करेंगे, यहाँ देखिए लिमिटर सबसे पहले आपको इसी तरीके से मूव करके ऑन करना पड़ेगा। यहाँ रीसेट है, यहाँ प्रीसेट्स आपको मिलते हैं लिमिटर के। प्रीसेट्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ भी आपको फ्लैट, स्पीच, KTV, DJ, कैफे, लाइट, हैवी,
इस टाइप के आपको मिलते हैं, मैं कस्टम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हमें लिमिटर में और हमारा कंप्रेसर जो होता है उसमें सबसे मेन होता है हमारा थ्रेशहोल्ड लेवल। आप इस तरीके से प्रेस करके मूव करके जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं, -100 dB से लेके +20 dB तक जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर 10 dB पे सेट करता हूँ तो जैसे ही मेरा कोई भी सिग्नल 10 dB क्रॉस करेगा वैसे ही मेरा लिमिटर काम करना शुरू कर देगा। तो इसको मैं अभी -10 पे रखता हूँ। यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पे आपको कैसा लिमिटर रखना है, सॉफ्ट हार्ड दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सॉफ्ट रखता हूँ, आपको हार्ड लिमिटर चाहिए सेटिंग वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे आप मेकअप गेन सेट कर सकते हैं, यहाँ अटैक टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ होल्ड टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ रिलीज टाइम सेट कर सकते हैं, ऑडियो लिमिटर, आपको इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। आप ये सारे फीचर्स जैसे मिक्सर में आप सेट करते हैं वैसे ही इसमें सेट कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम बेहतरीन बना सकते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके के बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स इस बार दिए हैं इसमें। पहले के दोनों मॉडल में इतने फीचर्स नहीं दिए गए थे आपको। ION 712, 715 जैसे मॉडल्स में भी आपको इस टाइप के सेपरेट फीचर्स नहीं दिए गए हैं। उसके बाद हम बैक गए। बैक में जाने के बाद यहाँ देखेंगे जैसे ION 700 में आपको पास थ्रू और टाइम अलाइन सिस्टम दिया गया है, वैसे ही आपको ION 1 Mark II में भी दिया गया है। प्रेस करेंगे यहाँ देखेंगे पास थ्रू आपने कुछ किया है, उसको आप ऑन कीजिए जस्ट इसको मूव एंड प्रेस करके। उसके बाद जो प्रीसेट आपको चाहिए फुल रेंज सब आपने ऐड किया है पास थ्रू में तो सब पे चाहिए आपको, कस्टम चाहिए, फुल रेंज, सब ये तीन आपको मिलते हैं। जैसे अभी मैं सब वूफर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसको मैं फुल रेंज पर रखता हूँ। फुल रेंज पर आप देखेंगे आपका HPF 20 हर्ट्ज से शुरू होता है और LPF आपका पास थ्रू आउट 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कितने पे भी सेट करना है। उसके साथ आप लो पास का भी सेट कर सकते हैं कितने पे सेट करना है आपको। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिले ऑन पास थ्रू आउट, जो भी आप सिस्टम लगा रहे हैं पास थ्रू में उसका डिले सिस्टम, आपको म्यूजिक डिले सिग्नल किस लेवल का चाहिए, कितने मिली सेकेंड का चाहिए, तो इसके थ्रू आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिग्नल डिले कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर पास थ्रू में सेटिंग्स मिलती हैं। उसके नीचे जाएंगे तो इस स्पीकर में डिले कितने मिली सेकेंड का आप चाहिए वो आप यहां सेट कर सकते हैं इसको मूव एंड प्रेस करके। साथ में पास थ्रू लेवल आपका कितने dB का होना चाहिए वो मूव एंड प्रेस करके आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसमें बिल्कुल सेम ION 700 सीरीज की तरह ये फीचर्स दिया गया है। तो सेटिंग में हम देखेंगे ब्लूटूथ ऑडियो पेयरिंग, ब्लूटूथ कंट्रोल पेयरिंग, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। मैं आपको ब्लूटूथ कंट्रोल पेयरिंग, इसके JBL Pro Connect ऐप आता है, एक यूनिवर्सल ऐप है जिसके थ्रू आप JBL के PRX सीरीज, ION सीरीज के स्पीकर को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके फीचर्स को डिफरेंट तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो फीचर्स दिखाता हूँ, साथ में आपको ये सिस्टम की साउंड क्वालिटी और साउंड चेक करा के भी दिखाता हूँ। आज मैं इसको आपको आउटडोर में भी चला के दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ये है JBL Pro Connect ऐप, मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ये अलाउ मांगेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा, लोकेशन मांगेगा, ये करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए मेरा प्रो कनेक्ट ऐप ऑन हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरा पहले 712 था, आप देखिए यहाँ पे ION 1 MK2 आ गया ऑलरेडी। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा, यहाँ देखिए कनेक्टिंग शो कर रहा है, ये मेरा ION 1 MK2 कनेक्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको मैं इसके लाइव फीचर्स दिखाता हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं आपको इसमें। आप इसमें जाएंगे, ये इसका लोकेशन का ऑन करने का सिस्टम है। हम जाएंगे इसके एडिट में तो हम चाहे तो नाम भी बदल सकते हैं, यहाँ पर हम नाम नहीं बदलेंगे इसका, हम इसको ही रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इसके नीचे स्पीकर्स में, स्पीकर्स में जाते हैं तो हमें इसका यहाँ पे गेन लेवल मिलता है। जैसे मैं आपको यहाँ से हम सिंपल ऐसे हम गेन लेवल सेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हेलो ची, हेलो ची, इस तरीके से हम यहाँ पे इसका गेन लेवल सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको AFS आया, AFS में आप इसको प्रेस करके ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ लाइव AFS है, इधर आप रीसेट है, इधर आप देखेंगे फिक्स्ड AFS के लिए सिस्टम है, जो आपको सेम डिस्प्ले में दिख रहे थे उसी तरीके से।
उसके बाद हम बैक जाएंगे, बैक में जाएंगे, हमें यहाँ ईक्यू भी मिलता है। ईक्यू में आप देखिए कस्टम, फ्लैट, स्पीच, केटीवी, डीजे, कैफे, ब्राइटर, डार्कर। अब हम चाहें तो यहाँ से सिंपल कोई भी हम सिस्टम लेके, जैसे हमने कस्टम लिया, कस्टम में गए हम, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से इस तरीके से सेट कर सकते हैं, फिल्टर्स बना के यहाँ पे ग्राफ में ऐसे चाहें जैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें करना है, इसका गेन बढ़ाना है, जैसे भी करना है हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे यहाँ एफएक्स है, एफएक्स में जाएंगे हम, इसको ऑन कर सकते हैं, इस पर टैप को कर सकते हैं हम सेट। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का चेंजर दिख रहा है, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी कहाँ से शुरू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ज़्यादा इजी है, यहाँ गेन आप सेट कर सकते हैं इसका, जो भी फ्रीक्वेंसी आपने सेट की, यहाँ विथ आप सेट कर सकते हैं इसकी, कितने विथ पे रखना है आपको, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से ईक्यू को करके प्रेस हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे लिमिटर है, लिमिटर का थ्रेशोल्ड लेवल आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चारों सेटिंग्स मिलती हैं, यहाँ ऑन करने का ऑप्शन है, यहाँ मेकअप गेन, अटैक, होल्ड, रिलीज, सब कुछ आप इसमें सेट कर सकते हैं। लिमिटर के भी ये फीचर्स मिलते हैं ईओन वन में। आप देखिए यहाँ पास थ्रू की सेटिंग है, यहाँ एफएक्स की सेटिंग है, आप देखिए यहाँ पे चैनल 5, 4, 3, 2, 1 सारे चैनल आपको दिख गए हैं। इनके इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से प्रेस करके इफेक्ट भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए सेपरेट सेपरेट चैनल पे आपको जिस पे भी इफेक्ट चाहिए आप रख सकते हैं। यहाँ इसको सिंपल एफएक्स सेंड को ऑन कीजिए, रिवर्ब चाहिए आपको, डिले चाहिए, कोरस चाहिए, जो भी चाहिए आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंपल आपको चैनल पे जाके इसके इफेक्ट को प्रेस करना है। यहाँ देखिए आपको, आप उस चैनल पे इफेक्ट सेट कर सकते हैं। अगर आपको ईक्यू करना है तो आप ईक्यू में जाइए, आप देखिए यहाँ पे आपको एचपीएफ, बेस, मिड, ट्रेबल, जैसे आपको पीछे बैक साइड में दिखाया है स्पीकर के, वैसे ही आपको यहाँ भी दिखता है। आप इसके ग्राफ को भी सेट कर सकते हैं, ऐसे चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ गेन को भी सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पैरामेट्रिक ईक्यू के 8 अलग अलग टाइप के बैंड मिलते हैं, आप इनको सेट कर सकते हैं। बेस गिटार, एकॉस्टिक गिटार, ये देखिए आप कस्टम, स्पीच, तो जैसी भी आपको सेटिंग करनी है आप वो चैनल में जाके सेटिंग कर सकते हैं। आपको ये चैनल में देखिए 4 चैनल तक मिलता है, उसके बाद 5 में आपका ऑक्स है जिसमें आप ईक्यू तो सेट कर सकते हैं। यहाँ एफएक्स रिटर्न है, पास थ्रू की सेटिंग है, प्रेस करके आप पास थ्रू की सेटिंग कर सकते हैं, डिले लगा सकते हैं अपने सिग्नल में। हम बैक जाएंगे यहाँ से, तो ये हमारे सिस्टम हैं जो हम ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा रह गया इसकी साउंड क्वालिटी। अब हम देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, इसके बेस में, इसके हाई में क्या पंच आता है, क्या ये एक एरे सिस्टम के बराबर का कंपैरिजन कर सकता है, आउटडोर में चल सकता है, ये हम देखते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग करके। तो चलिए दोस्तों हम इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। और मैं साथ साथ आपको इस डेमो रूम में ही नहीं, आपको मैं आउटडोर में ले जाके भी इसकी क्वालिटी टेस्ट कराऊंगा और दिखाऊंगा आपको क्वालिटी कैसी है इसकी। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो बेस है वो 37 हर्ट्ज से जो है आपका पिकअप करता है, रेस्पॉन्स करना शुरू होता है, जो आपका एक होम थिएटर सिस्टम के लिए भी काफ़ी सूटेबल रहता है 37 हर्ट्ज से। उसके साथ इसका जो बैटरी है वो आपको फुल्ली चार्ज होने के बाद 6 घंटे लगातार नॉन स्टॉप प्ले टाइम देता है। और साथ में जब आप इसको किसी एसी पावर से कनेक्टेड करते हैं तो इसका जो प्रेशर लेवल है साउंड का वो पड़ता है आपको 123 dB। और अगर आप इसको बैटरी से प्ले करते हैं, जैसे मैं अभी बैटरी से प्ले करूंगा, इसमें कोई पावर मैंने कनेक्ट नहीं किया है, तो ये आपको 119 dB का साउंड प्रेशर लेवल देता है। इस टाइप के आपको इसमें कुछ छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, कुछ इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं ये। अब मैं आपको इसमें म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ और देखते हैं हम क्या क्वालिटी देता है ये। और सारा मैं वायरलेस करूँगा इसके थ्रू। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। तो अब मैं दूसरा म्यूजिक चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। इसका ट्विटर में देखे क्या क्वालिटी है इसके।
है ना, बढ़िया सिस्टम है, गौतम है अब मैं आपको दूसरा एक म्यूजिक और सुनाता हूँ, लाउड म्यूजिक और सुनाता हूँ, क्योंकि इस साउंड में सुनने में जो मजा है, बाकी सारी चीजें होती रहती हैं, क्वालिटी और थोड़ा एक एंजॉयमेंट भी बनना चाहिए। सिस्टम भी काफी हल्का है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा इसकी क्वालिटी, इसका जो कवरेज है वो है इसका हॉरिजॉन्टल में आपका ये 90 डिग्री और वर्टिकल में आपका ये 30 डिग्री का कवरेज पैटर्न बनाता है, मतलब एक पूरे एरिया को ये कवर कर लेता है, फिल कर देता है, अपनी रेंज के अंदर ले आता है, तो इस टाइप का इसका कवरेज है। अब मैं इसको बाहर ले चल के आपको आउटडोर में सुनाता हूँ इसकी क्वालिटी, तो आपको पता लगेगा ये इनडोर ही नहीं आउटडोर के लिए भी बेस्ट है। क्वालिटी आपको मैं म्यूजिक में करके सुनाता हूँ। क्वालिटी जबरदस्त है इसकी आउटडोर में भी।
आपने देखा इसको इंडोर में भी और आउटडोर में दोनों जगह सुन के, और आप ही मुझे बता सकते हैं बेटर आपको कैसा लगा, क्योंकि वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना है। मेरे हिसाब से तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी है इसकी। इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सही में एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। मोस्टली प्रोडक्ट में आज की डेट में ऐसे फीचर्स आपको कॉम्पैक्ट सिस्टम में नहीं दिए जाते हैं। बहुत हद करके ब्लूटूथ आपको दे दिया जाएगा या कुछ आपको एक इफेक्ट की सेटिंग दे दी जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर डिले, रिवर, कोरस, आपको साउंड क्राफ्ट की डकिंग, आउटपुट EQ, पैरामेट्रिक EQ, आपको सारे प्रीसेट्स, ये टाइप का सिस्टम आपको जल्दी से और ब्रांड में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसकी प्राइस रेंज आपकी अबव 1 लाख होगी। आप भी चेक कर सकते हैं, कई लोगों ने चेक किया होगा। ये स्पीकर की मैं प्राइसिंग आपको बता दूं, अभी ये ऑफर प्राइसिंग में चल रहा है 80,000 का। आप मार्केट में चेक करोगे तो 85, 90, 95 इसके आसपास में मिलेगा, लेकिन हमारे पास इसका ऑफर प्राइस है 80,000 में अभी आपको मिल सकता है। अगले एक हफ्ते के लिए ये ऑफर वैलिड है। आप सिंगर हैं, आप प्रेजेंटर हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, आपका कोई बैंड है, आप चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम मिल जाए आपको पोर्टेबल, जो आपको कहीं भी ले जाने में आसानी हो और उसको यूज करने में आसानी हो, उसके हिसाब से ये बहुत ही जबरदस्त और करेक्ट प्रोडक्ट है। आप इसकी साउंड क्वालिटी भी देखी आपने, वो भी बहुत अच्छी है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे जरूर बताइएगा ये स्पीकर आपको कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।